ये नंदिनी माँ जी के पास खेल रही है। ये माँ जी के पास खेल रही है क्या? माँ के पास सीधे लेट जाओ, ऐसे खड़े क्यों हो? बाहर घूमने का मन करे आपका? हैं? चलो लेके चलूं? आओ। ओ ये बेटा आ जाओ। क्या चल रहा है आज नाश्ते में? आलू का पराठा, आलू का पराठा। कैसा खा रहे हैं आप, मट्ठा से या चाय से? घी से। नहीं, खा तो रहे हैं मक्खन से, कटोरी में है, लेकिन साथ में चाय पी रहे हैं। गुड्डू और चाचा चाय पी पी रहे रही हैं है और मट्ठा। मैं पी रहा हूँ मट्ठा। आरुषि को घी पसंद है, आरुषि घी से खाती है। गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मजा चूल्हे के पास ही है। और ये देखिए आज बिल्कुल देसी स्टाइल, और जब हमारी कच्ची रसोई थी तो चारों तरफ को बैठ जाते थे, चूल्हा एक साइड में था और ऐसे लाइन लगा के बैठ जाते थे सारे के सारे। लेकिन अभी ये ओपन किचन बन गया था अरविंद भैया की शादी से पहले। कच्ची रसोई सबको अच्छी नहीं लगती थी, वो हटा दी थी। और मौसम आज बादल का है, ये देखिए सूर्य देवता बादलों से संघर्ष करके बाहर निकलते हुए और हम लोगों को सर्दी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नंदिनी राम राम बोल दो, अपने पापा से बातें करती है। नंदिनी बेटा आज बहुत ठंड है, आज बाहर नहीं जाना है, कंबल ओढ़ के आज यही लेटे रहना है। ए ये बेटा, नंदिनी को बाहर नहीं जाना है, पापा के पास यही खेलना है। आज बाहर नहीं जाना है, आज बादल है, ठंड बहुत है, तो बाहर जाएंगे ठंड लग जाएगी, आज यही कंबल में रहना है, पापा के साथ खेलना है यही पे। क्या लाए थे हम आपके? गरम गरम समोसे आपने खाए थे? हाँ, सारे पेड़ खा खा के फिर फिनिश कर दिए। सारे खा खा के फिनिश कर दिए? हाँ। दो चटनी आए थे, इसको चटनी बहुत अच्छी लगती है। नंदिनी के पापा आ गए। नंदिनी बहुत खुश है। सुबह भाभी जी ने नाश्ते में पराठे बनाए थे, उसके बाद उनको किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। सुनील भैया, बबली भाभी और बच्चे गए हैं उनके साथ किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए आज गए हैं। उसके बाद प्रीति ने बर्तन धुले हैं, अब झाड़ू कर रही है और उसके बाद पोछा करेगी, फिर कपड़े धुलने हैं। और आरुषि के नेल्स थोड़ा बढ़ गए थे तो नेल कटर से मैंने आरुषि के नेल्स भी कट किए हैं आज। कर रहे हैं आप? दवाई पी रही। दवाई ऐसे पी लो आप कटोरी से, ठीक है? दिखाइयो। काय की दवा है या खांसी की दवा? खांसी हो रही है आपको? और क्या हो रहा? जुकाम हो रहा? ये तो आंख में भी पानी आ रहा। हाँ, पी लो दवाई, पी लो जल्दी, पी लो। और उसी तो ऐसे ही ले लेता भाई। भाई आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे? टीवी वाले कमरे में मिला नहीं वहाँ। मैं फिर कहाँ ढूंढा? मेरे वाले कमरे में। अपने वाले कमरे में फिर मैं मिल गया था। क्या है यो? एटीएम। क्या निकला इसमें से? पैसे। पैसे किस तरह, कैसे निकले इसमें से पैसे? मशीन से। हाँ जी। हाँ जी। क्या कर रहे? पोछा लगा रही, फिर कपड़े धोऊंगी। और हमारे लिए क्या आदेश है? बाजार से थोड़ा सामान आना, खत्म हो रहा घर का। क्या क्या सामान आना? तेल है, चीनी है। तेल चीनी थोक के भाव आना है तो? जी। चीनी का बोरा, तेल का कनिस्तर जी, और अदरक आना है चाय के लिए। चलो तो सामान का पर्चा बना के दे दो अगर ज्यादा हो तो। ज्यादा नहीं है, बस यही है, मैं तो आपको याद दे दूंगी। बाजार का काम कर लो जल्दी से, लेट हो जाओगे फिर, अंधेरा हो जाता है जल्दी। ठीक है। लो भाई, प्रीति ने नाश्ते के बाद बर्तन वर्तन धुले थे, फिर झाड़ू लगाई, अब पोछा कर रही है।
और मुझे आदेश मिला है बाज़ार का सामान लाने का। एक्चुअली चीनी और तेल ख़त्म हो गया है, जो थोक के भाव में आते हैं चीनी का बोरा और तेल का कनस्तर, वो मुझे लाना है बुढ़ाना से। और छुटपुट सी चीज़ें हैं थोड़ी सी, कुछ वो लेके आनी है। उधर बार बार मशीन आवाज़ कर रही है, कपड़े भी डाले हुए हैं प्रीति ने, उसके बाद पोछे के बाद कपड़े सुखाएगी। और इतने दिन घर से बाहर रहने के बाद मैं भूल गया था कि आज मार्केट वीकली ऑफ है, तो मार्केट जाके खाली हाथ लौट आया हूँ, बाइक खड़ी कर दी है, सामान कुछ नहीं मिला है। प्रीति ने खैर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई है और इतने सारे कपड़े धुल के रख दिए हैं, अब इनको गठरी में बांध के छत पे ले जाके धूप में सुखाना है। दूसरे तो सूख गए, दूसरे जो उनसे पहले फैलाए थे अब ये फैला के आने हैं। कौन ले जाएगा इनको ऊपर? मम्मी ले जाएगी या मैं ले जाऊँ? कहाँ? क्या लेने? कपड़े फैलाने? अभी फैलाओगे? वेरी गुड। कैसे जाएंगे ये गठरी में बंद के? लाओ बंधवाऊं? अच्छा जी, थैंक यू। जाएगी छत पे? टप्पा उड़ गए। शूज पहन लिए? अरे चप्पल भी उल्टी पहन रखी, चप्पल सीधी पहनो। शूज पहनो अपने, शूज अपने आप पहन ले फिर बेटा। चलो करो सीधी। अच्छा शूज पहनोगे? पहन लो, ये रहे आपके शूज। चलो टप्पा उड़ो अपने वाला, नंदिनी का नहीं। शूज पहनो अपने। ये टप्पा ओढ़ लिया और आरुषि पहनेगी शूज। ये दूसरे पैर का है, इधर लाओ मैं बताऊंगा। ये इस वाले पैर का है, मैं इन उल्टे पहनूं? नहीं सीधे पहनो ऐसे। गुड, इसमें पैर डालो, बहुत अच्छे। और उसी क्या कर रही है? दस्ताने पहन रही। ये तो कोविड से बचाव वाले हैं भाई, हैं? हाँ। आपसे देखूं उंगली सही पहनाई पहनी क्या आपने? देखूं, अरे वाह, एक उंगली इसमें है, एक उंगली इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें अंगूठा है। बहुत अच्छा पहना है तो और उसी ने, वेरी गुड। फैला दिए कपड़े? हाँ जी फैला दिए, काफ़ी कपड़े धुए आज। रोज़ धुले इतने ही? आज तो कम धुले। आज तो कम धुले, कल ज़्यादा थे। हाँ जी। आज सुनील भैया और बबली भाभी किसी काम से बाहर गए हैं, तो प्रीति ने कहा कि आज दूध निकालने के लिए मैं भी ट्राई करके देख लूं, काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि कई पशु हमारे दूध देते हैं। भैंस का दूध निकालते हैं चाचा जी, काली गाय का निकालते हैं, और गोरी गाय का दूध कोई भी निकाल सकता है। और इनके अलावा जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि लाल गाय के साथ हमारे ट्रेजरी हुई है इस बार, तो उसके अलावा बाकी तीनों पशु हमारे दूध देते हैं। और प्रीति कह रही है कि आज मैं भी दूध ट्राई करके देखती हूँ दूध निकालना, यानी काफ़ी दिन हो गए मिल्किंग किए, देखती हूँ कर पाऊँगी या नहीं अच्छे से।
आ जाओ इसके पास आओ, खिलाने देगी, कुछ नहीं कहने की, आओ। चल देखो कितनी चल। अच्छी मिमी है ये। चल मैं चलूंगा। कितनी अच्छी बच्चिया है ये, वो सुंदर सी है, क्यूट सी है। जाओ हाथ लगा, देखो कैसे करती है। ओ लगा से लगाओ हाथ, पिताजी जाले लगाओ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये गाय लगा नहीं देती क्या हाथ? ये मेरी बच्चिया के पास क्यों आ रही? कदी ऐसे खोल ले, कदी यार उसी से ले जावे। और देखो हम तो हाथ लगाते हैं इसके, ये गाय हमें कुछ नहीं कहती है भाई। ये तो मेरे पास आना चाहती है, क्यूट सी बच्चिया है। ये देख कुछ तो नहीं कहा, लगा दो हाथ, कुछ नहीं कहती है ऐसे। या ऐसे ही करे, प्यार से करे, या ऐसे ऐसे कुछ कहती तो नहीं। हेलो जी, राम राम जी। तो ये हमारी छोटी सी मम्मी है। हमारी छोटी सी खिलाना नहीं देती ये गाय, इसको खिलाने नहीं देती, कहती है मेरी छोटी मम्मी के पास मत आओ, ऐसे कहती है। ये खड़ी है, ये देख रही है हमारी तरफ। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं। तो आरुष आराम ने, तो आरुष आज घूमने गया हुआ है मम्मी पापा के साथ, और मैं यहाँ अपनी गाय और बच्चिया को खिला रही हूँ। और मेरे पापा लेके जाएंगे आरुष के पास, और मैं आरुषी को आरुष के पास लेके जाऊंगा। पापा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। बाय 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 बाय।